माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बीते दिनों कोरोना के इस कठिन कालखंड में भी देश ने चहु दिशा में किस प्रकार से इनिशिएटिव लिए, देश के दलित, पीड़ित, गरीब, शोषित, महिला, युवा, उनके जीवन को सशक्तिकरण के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए, देश में जो कुछ भी गतिविधि हुई है उसका एक संक्षिप्त खाका देश के सामने प्रस्तुत किया और उसमें आशा भी है, विश्वास भी है, संकल्प भी है, समर्पण भी है। अनेक माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। माननीय खड़गे जी ने कुछ देश के लिए, कुछ दल के लिए, कुछ खुद के लिए काफी कुछ बातें बताई थी। आनंद शर्मा जी ने भी, उनको जरा समय की तकलीफ रही लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि देश की उपलब्धियों को स्वीकारा जाए। श्रीमान मनोज झा जी ने राजनीति से अभिभाषण परे होना चाहिए, इसकी अच्छी सलाह भी दी। प्रसन्न आचार्य जी ने वीर बाल दिवस और नेताजी से जुड़े कामों के संबंध में भी विस्तार से सराहना की। डॉक्टर फौजिया खान जी ने संविधान की प्रतिष्ठा को लेकर विस्तार से चर्चा की। हर सदस्य ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर और राजनीतिक स्थिति के आधार पर अपनी बातें हमारे सामने रखी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का इसके लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पचहत्तर साल का आजादी के कालखंड में देश को दिशा देने का, देश को गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं और उन सब का लेखा जोखा लेकर के जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना, जो कमियां हैं उसको करेक्ट करना और जहां नए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है वो नए इनिशिएटिव लेना। और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और हम सभी राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपना ध्यान पर भी और देश का ध्यान भी आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना इसके लिए केंद्रित करना चाहिए। और मुझे विश्वास है
कि उससे जो संकल्प उभरेंगे उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, सबका ओनरशिप होगी और उसके कारण जो 75 साल की गति थी उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी और पिछले 100 साल में मानव जात ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा है और संकट की तीव्रता देखिए। मां बीमार है एक कमरे में लेकिन बेटा उस कमरे में प्रवेश न कर पाए, पूरे मानव जात के लिए ये कितना बड़ा संकट था और अभी भी ये संकट बहुरूपिया है, नए नए रंग रूप लेकर के कभी न कभी कुछ न कुछ आफतें लेकर के आता है और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरी मानव जात उससे जूझ रही है, हर कोई रास्ते खोज रहे हैं। आज 130 देश करोड़ के भारत के लिए दुनिया में जब प्रारंभिक कोरोना का प्रारंभ हुआ चर्चा यही थी भारत का क्या होगा और भारत के कारण दुनिया की कितनी बर्बादी होगी, इसी दिशा में चर्चा हो रही थी। लेकिन ये 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य और उन्होंने जो भी जीवन में उपलब्ध था उसके बीच भी डिसिप्लिन का पालन करने का प्रयास किया कि आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है और इसका गौरव ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये अचीवमेंट देश का है, 130 करोड़ देशवासियों का है। अच्छा होता इसका यश लेने के भी कोशिश करते आप लोग तो आपके खाते में कुछ जमा होता, लेकिन अब ये भी सिखाना पड़े। खैर, वैक्सीनेशन के संबंध में अभी प्रश्नकाल में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने विस्तार से बात तो बताई है कि जिस प्रकार से भारत वैक्सीनेशन बनाने में, इनोवेशन में, रिसर्च में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में आज भी दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन वैक्सीन से मेरा लाभ हो या न लाभ हो, लेकिन कम से कम वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा, इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। सिर्फ खुद की रक्षा करने का विषय होता तो लू या न लू विवाद होता, लेकिन जब उसके मन में विचार आया कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी डोज लेना है तो मैं ले लूं, और उसने ले लिया, ये भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य इस सभी आदरणीय सदस्यों से इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है।
आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में रुकावटों की बार बार ऑब्स्टेकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है, जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवार नल से जल पहुंचाने का काम कर करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इसी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन आया तब भी बहुत समझदारी के साथ कईयों से चर्चा करने के बाद थोड़ा साहस की भी जरूरत थी कि गांव में किसानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। निर्णय मेरा महत्वपूर्ण था लेकिन किया और उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बंपर पैदावार की और एमएसपी ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कैसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी लेकिन उसको कर पाए। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। इसी कोरोना कालखंड में हमारे देश के युवाओं ने खेल जगत के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारा परचम फहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। आज पूरा देश हमारे युवाओं ने खेल जगत में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है और कोरोना के इन सारे बंधनों के बीच उन्होंने अपनी तपस्या को कम नहीं होने दिया, अपनी साधना को कम होने नहीं दिया और देश को गौरव बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में आज जब हमारा देश का युवा स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, सिनोनिमस हो गया है, आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो या चाहे समाज जीवन के अंदर अनेक अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है, उसकी स्वीकृति। आदरणीय सभापति जी,
संकट का काल होता है, चुनौतियां अपार होती हो, विश्व की हर शक्ति अपने ही बचाव में लगी होती है, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है, ऐसे कालखंड में उस संकटों से बाहर निकालना आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के उन शब्द हम सबके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। अटल जी ने लिखा था, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, अटल जी के शब्द आज के इस कालखंड में भारत की के सामर्थ्य का परिचय कराते हैं। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में सभी क्षेत्रों को रुकावटों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र थे जिस पर थोड़ा विशेष बल भी दिया गया, क्योंकि वो व्यापक जनहित में आवश्यक था, युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक था। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया उसमें से मैं दो की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेतीबाड़ी क्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावट ना आए उसको निश्चित किया, और उसी के वजह से मैंने वर्णन किया बम्पर क्रॉप हुआ, सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की, महामारी के बावजूद गेहूं धान की खरीदी के नए रिकॉर्ड बने, किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला, पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, क्योंकि पंजाब में पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा गया। उन्होंने कहा था, मेरा खेत तो उतना ही साइज है, हमारी मेहनत उतनी है, लेकिन खाते में इतना रुपया एक साथ आता है, ये पहली बार जिंदगी में। इससे संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही। ऐसे कदमों से ही इतने बड़े सेक्टर को शॉक्स और डिसरप्शन से हम बचा पाए। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर, ये उन सेक्टरों में था जिसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। अलग अलग मंत्रालयों ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की उससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला। भारत अब लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी, इस क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम उत्साहजनक परिणाम दे रही है। जब इतने बड़े स्तर पर
मैन्युफैक्चरिंग और वो भी ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होता है, तो स्वाभाविक है दुनिया के देशों से ऑर्डर भी मिलते हैं, ज्यादा अवसर भी मिलते हैं। और सत्य ये है कि इंजीनियरिंग गुड्स जो बड़ी मात्रा में एमएसएमई बनाते हैं, इस समय जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा बड़ा बना है उसमें ये इंजीनियरिंग गुड़ का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये भारत के लोगों के कौशल्य का और भारत के एमएसएमई की ताकत को प्रदर्शित करता है। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम देखें, यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, एमओयू जो हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, एमएसएमई क्षेत्र के लोग आ रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में, ये अपने आप में उत्साहवर्धक है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है और देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं, आगे आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई को जेम उसके माध्यम से सरकार में जो सामान की खरीदी होती है उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है और वो प्लेटफॉर्म के कारण आज बहुत सुविधा बनी है। उसी प्रकार से हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, वो निर्णय ये है कि सरकार में 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर होंगे वो टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, उसमें हिंदुस्तान के लोगों को ही अवसर दिया जाएगा और जिसके कारण हमारे एमएसएमई सेक्टर को और इसके द्वारा हमारे रोजगार को बल मिलेगा। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में आदरणीय सदस्यों ने रोजगार के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। कितनी जॉब क्रिएट्स हुई है ये जानने के लिए ईपीएफओ पैरोल सबसे विश्वस्त माध्यम माना जाता है। साल 2021 में लगभग 1,20,00,000 नए ईपीएफओ के पैरोल पे जुड़े और ये हम न भूलें, ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब से, और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। आदरणीय सभापति जी, रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब, नेस्कॉम का कहना है, 27 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर में, और ये सिर्फ स्किल की दृष्टि नहीं, उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है और उसका लाभ रोजगार के क्षेत्र में सीधा सीधा होता है। आदरणीय सभापति जी, साल 2021 में, यानी सिर्फ एक साल में, भारत में जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं वो पहले के वर्षों में बने कुल यूनिकॉर्न से भी ज्यादा है। और ये सब रोजगार की गिनती में अगर नहीं आता है तो फिर तो रोजगार से ज्यादा राजनीति की चर्चा ही मानी जाती है। आदरणीय सभापति जी, कई माननीय सदस्यों ने महंगाई की भी चर्चा की है।
100 साल में आई इस भयंकर वैश्विक कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अगर महंगाई की बात करें तो अमेरिका में 40 साल में सबसे अधिक महंगाई का यह दौर अमेरिका झेल रहा है। ब्रिटेन 30 साल में सबसे अधिक महंगाई के मार से आज परेशान है। दुनिया के 19 देशों में जहां यूरो करेंसी है वहां महंगाई का दर हिस्टोरिकली हाईएस्ट है, उच्चतम है। ऐसे माहौल में भी महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया, ईमानदारी से कोशिश की। 2014 से लेकर 2020 तक ये दर 4 से 5% के आसपास थी। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी, यूपीए के समय डबल डिजिट छू रही थी। आज हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं। बाकी दुनिया की इकोनॉमी को देखें तो वहां की अर्थव्यवस्थाओं में या तो ग्रोथ स्लो हुई है या फिर महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। मैं जब इस प्रकार की निराशाएं देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जय पराजय होता रहता है, उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए। मैं जानता नहीं, लेकिन हमारे यहां गुजरात में एक बात है, शरद राव जानते होंगे, वो यहां महाराष्ट्र में भी होगा, कहते हैं कि जब हरियाली होती है खेतों हरे भरे होते हैं, और किसी ने वो हरी भरी हरियाली देखी हो और उसी समय बाय एक्सीडेंट अगर उसकी आंखें चली जाए तो जीवन भर उसको वो हरे वाला आखिरी जो चित्र है वो रहता है। वैसा 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की उसमें जो आंखें किसी की चली गई है उनको पुराने दिशी दिखते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जा गया है, महाजनों येन गतः स पंथाः, अर्थात महाजन लोग बड़े लोग जिस पद पर जाते हैं वही मार्ग अनुकरणीय होता है। मैं आदरणीय सभापति जी इस सदन में एक बात करना चाहता हूं, यहां कोई भी हो किसी दिशा में बैठा हो, उधर हो यहां हो कोई भी हो,
लेकिन जनप्रतिनिधि अपने आप में छोटा हो बड़ा हो क्षेत्र का लीडर होता है, नेतृत्व करता है। वो जो भी उसका कमांड एरिया होगा वहां के लोग उसको देखते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं। और ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि हम सत्ता में है तो लीडर और वहां बैठ गए तो अरे रे क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। कहीं पर भी आप है, अगर जनप्रतिनिधि हैं आप सच्चे अर्थ में लीडर है। और लीडर अगर इस प्रकार से सोचेगा, ऐसी निराशा से भरा हुआ लीडर होगा तो क्या होगा भाई? क्या यहां बैठे तभी देश की चिंता करनी और वहां बैठे तो देश के अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं करनी, ऐसा होता है क्या? किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं भाई। और क्योंकि आप अगर निराश होते हैं तो आपका जो क्षेत्र भले अब धीरे कम हो गया होगा, लेकिन जो भी होगा बैठ के रनिंग कमेंट्री करना उचित नहीं है, पद्धति भी नहीं है। हम सबका दायित्व है। सुनिए क्या है बाद में, जब आपको मौका मिला आपने बोला। खड़गे जी, खड़गे जी आपको बुलाया। नहीं ये तो ये रिकॉर्ड में जाएगा नहीं, ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहे अननेसेसरी। प्लीज खड़गे जी, आप भी अधीरंजन जी जैसी गलती करते हैं। आप थोड़ा पीछे देखिए, जयराम जी ने पीछे जाकर के दो तीन लोगों को तैयार किया हुआ इस काम के लिए। आप इस प्रतिष्ठा से रहिए, पीछे है रखा है व्यवस्था। जयराम जी साथ जाकर के बाहर जाकर के सूचना लेकर के आए, समझा रहे थे। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आप सम्मानीय नेता है। आदरणीय सभापति जी, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन देश के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। हमने देश के सामर्थ्य का पूरे विश्व के सामने खुले मन से गौरवगान करना चाहिए, देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। आदरणीय सभापति जी, सदन में हमारे एक साथी ने कहा वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील, वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील। मैं ये देखकर हैरान हूं, कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है। एक साथी ने यह भी कहा कि टीकाकरण पर व्यर्थ खर्च हो रहा है। ये देश सुनेगा तो क्या लगेगा ऐसे लोगों को? आदरणीय सभापति जी, कोरोना जब से मानव जात पर संकट में पैदा कर रहा है, सरकार ने देश और दुनिया में उपलब्ध हर संसाधन जुटाने के लिए भरपूर कोशिश की है। हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए जितना भी हमारी सामर्थ्य था, समझ थी, शक्ति थी, और सबको साथ लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है। और जब तक महामारी रहेगी तब तक सरकार गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए
जितना खर्च करना पड़ेगा कच्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कुछ दल के बड़े नेता बीते दो सालों में उन्होंने जो अपरिपक्वता दिखाई है उससे देश को भी बहुत निराशा हुई है। हमने देखा है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ में खेल खेले गए हैं। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। थोड़ा सोचिए, जो पहले आपने कहा था आज जो हो रहा है उसको थोड़ा दोनों साथ मिलाकर देखिए, हो सकता है सुधार की संभावना हो तो कुछ काम आ जाएगा। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता जागरूक है और मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि उनके हर छोटे मोटे नेताओं ने ऐसी गलती की तो भी उसने इस संकट के समय ऐसी बातों को कान पर लिया नहीं और वैक्सीन के लिए कतार में खड़े रहकर के अगर ये ना हुआ होता तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ देश की जनता कुछ नेताओं से भी आगे निकल गई, ये देश के लिए अच्छा है। आदरणीय सभापति जी, इस पूरा कोरोना कालखंड एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण मैं कह सकता हूं। 23 बार शायद किसी एक प्रधानमंत्री को एक कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की इतनी मीटिंग करने का अवसर नहीं आया होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मीटिंगें की गई और विस्तार से चर्चाएं की और मुख्यमंत्रियों के सुझाव और भारत सरकार के पास जो जानकारियां थी उसमें मिलजुल करके, क्योंकि सदन में राज्यों से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। 23 मीटिंगें करना इस कालखंड में और विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना और सबको ऑन बोर्ड लेकर के चलना, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज की संस्था की इकाइयां हो, सबने मिलकर के प्रयास किया है। हम किसी की योगदान को कम नहीं आंकते, हम तो इसको देश की ताकत मानते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, कभी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कुछ लोगों को। जब कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था और एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाए, उनको समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए, ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। और मैं शरद राव जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। शरद राव जी ने कहा देखिए भाई, ये कोई ने कहा देखिए भाई का निर्णय देखिए भाई नहीं है। मैं जिस जिसको कह सकता हूं मैं कहूंगा और शरद राव जी आए, बाकी एमसी सहित सभी दल के लोग आए और उन्होंने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। ये संकट देश पर था, मानव जात पर था, उसमें भी आपने बहिष्कार किया। ये पता नहीं आपके एडवाइस कौन है जी, कौन कहां से आप सलाह लेके आते हैं, आपका भी नुकसान कर रहे हैं जी। देश रुका नहीं, देश चल पड़ा, आप अटक गए और हर एक को आश्चर्य हुआ। सब लोग आप दूसरे दिन के अखर हर एक को देख लीजिए क्या आपकी आलोचना हुई, क्यों ऐसा किया, इतना बड़ा काम। लेकिन आदरणीय सभा, हमने होलिस्टिक हेल्थ केयर पर फोकस किया, आधुनिक चिकित्सा परंपरा, भारतीय चिकित्सा पद्धति दोनों को। आयुष मंत्रालय ने भी इस समय बहुत काम किया। सदन में कभी कभी ऐसे मंत्रालयों की चर्चा भी नहीं होती है, लेकिन ये देखना होगा आज विश्व में हमारे आंध्र तेलंगाना के लोग बताएंगे, हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है वो इस कोरोना ने लोगों को भारत की उपचार पद्धति पर आकर्षित किया, उसका परिणाम।
दुनिया के लोगों, आज कोरोना कालखंड में भारत ने अपने फार्मा उद्योग को भी सशक्त किया है। पिछले 7 साल में हमारा जो आयुष का उत्पादन है उसका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है और नए नए डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। इसका मतलब कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसने विश्व में अपनी एक पहचान बनाना शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जहां जहां हमारा परिचय हो इस बात को बल दें, क्योंकि इस क्षेत्र हमारा दबा हुआ है। अगर हम थोड़ा उसको और ऐसे समय है कि स्वीकृति बन जाएगी तो हो सकता है कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा है, ताकत है, वो दुनिया में पहुंचेगी और काम होगा। आदरणीय सभापति जी, आयुष्मान भारत के तहत 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज कार्यरत हैं और हर प्रकार की आधुनिक से आधुनिक सेवाओं को करने के लिए उनको सजाया जा रहा है। ये सेंटर गांव और घर के पास ही फ्री टेस्ट समेत बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधा दे रहे हैं। ये सेक्टर कैंसर, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने के में मदद कर रहे हैं। 80,000 सेंटर बने हैं और इसको हम और बढ़ाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों में भी, गंभीर बीमारियों में भी उनको स्थानीय स्तर पर मदद मिलने की संभावना है। आदरणीय सभापति जी, वैसे पुरानी परंपरा ये थी कि बजट के पहले कुछ टैक्स लगा दो ताकि बजट में चर्चा न हो, बजट में दिखे नहीं और उस दिन शेयर मार्केट गिर न जाए। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उल्टा किया। हमने बजट के पहले 64,000 करोड़ रुपए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्यों के अंदर बांटे। अगर ये चीज हम बजट में रखते तो और बहुत बड़ा बजट शानदार दिखता। शानदार तो है ही है, और शानदार दिखता, लेकिन हम उस मोह के में रखने के बजाय कोरोना के समय इसकी तत्काल व्यवस्था करने के लिए हमने पहले इसको किया और 64,000 करोड़ रुपए हमने इस काम के लिए दिए। आदरणीय सभापति जी, इस बार खरगे जी बड़ा विशेष बोल रहे थे और कह रहे हैं कि मैं उस पर बोलूं, इधर उधर ना बोलूं, लेकिन वो क्या बोले हैं उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया। आदरणीय सभापति जी, ये सदन में ऐसे ही हंसी मजाक में कही गई बात नहीं थी, ये उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है। और वो है, कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ है और उसी के कारण ये समस्या होती है और इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से है। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव प्राप्त। आदरणीय सभापति जी, ये 47 में पैदा हुए हैं ना, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत, मदर इंडिया, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी, डिबेट, ये भारत में सदियों से चल रहा है। और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि उनकी परेशानी, और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है, तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें, और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाएं। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी, क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में चलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा गिनता। करके जी आपने भी एक घंटा बोला। यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज अंडरस्टैंड। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही देश का विकास नहीं होने दिया, अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को
नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहाँ पर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड विदाउट माई परमिशन। आदरणीय सभापति जी, विदाउट माई परमिशन नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एनी कमेंट। फेडरलिज्म को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों से लेफ्ट जी और देख लीजिए बड़ी बड़ी बातें की, जरूरी भी है राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का ये सदन है, लेकिन सभी साथियों को आदरणीय सभापति जी इस नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट व्हाट इज परमिटेड बाय द चेयर। Whatever is permitted by the chair will only go on record. No comment, no noise, no demonstration will go on record. Please, bait jai. Please. The Prime Minister is intervening. I have permitted it. It will only go on record. Ramdas ji, aap chinta mat kariye. Sir, aap chinta mat kariye. जो जाना है वो जाएगा, आप क्यों चिंता करते हैं? प्रधानमंत्री जी यस दैट इज योर कमेंट ना सर, लेट द पीपल डिसाइड व्हाई वी कैन वी सर। पिछले बात है कि वी डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, लोकतंत्र का हिस्सा सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सालों तक लेकिन उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए सुनने में मुश्किल हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, फेडरलिज्म को लेकर कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने कई विचारों को प्रस्तुत किया है और बहुत स्वाभाविक इस सदन में इसकी चर्चा होना और स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ राज्य के वरिष्ठ नेता उनका मार्गदर्शन इस सदन में हमें मिलता रहता है लेकिन जब ये बात करते हैं तब मैं आज सबसे आग्रह करूंगा कि हम संबंध में फेडरलिज्म के संबंध में हमारे जो कुछ भी विचार हैं, कभी बाबा साहब आम्बेडकर कुछ भी विचार फेडरलिज्म के संबंध में कब पढ़े हैं, बाबा साहब आम्बेडकर की बातों का बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा में कहा था
उसी को मैं कोट कर रहा हूं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था ये के संबंध में फेडरेशन एक यूनियन है, क्योंकि यह अटूट है। प्रशासनिक सुविधा हेतु देश और लोगों को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, प्रशासन के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन देश अभिन्न रूप से एक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं और देश की कल्पना को स्पष्ट किया है और ये बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा है। मैं समझता हूं फेडरलिज्म को समझने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर के इतने गहन विचारों से अधिक मैं समझता हूं कि मार्गदर्शन के लिए किसी बात की जरूरत है। लेकिन विशेषता यह है, क्या हुआ है हमारे देश में फेडरलिज्म के इतने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, इतने उपदेश दिए जाते हैं, हम क्या वो दिन भूल गए जब एयरपोर्ट पर जरा जरा सी बातों के लिए मुख्यमंत्री हटा दिए जाते थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टी अंजय जी के साथ क्या हुआ था, इस सदन के अनेक नेता अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री के बेटे को एयरपोर्ट पर उनका प्रबंध पसंद नहीं आया तो उनको बर्खास्त कर दिया। इसने आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया था। इसी प्रकार कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल जी को भी अपमानित करके पद से हटाया गया था, वो तब जब वो बीमार थे। हमारी सोच कांग्रेस की तरह संकीर्ण नहीं है, हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोच में राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय टारगेट्स और रीजनल एस्पिरेशंस, उसके बीच में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को उतने ही इज्जत के साथ एड्रेस करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और भारत की प्रगति भी तब होगी जब देश विकास को ध्यान में रखते हुए रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करें, यह दायित्व बनता है। जब हम इस बात को कहते हैं देश को आगे बढ़ाना, लेकिन इसकी ये भी शर्त है कि जब राज्य प्रगति करते हैं तब देश की तरक्की होती है। राज्य प्रगति न करे और देश की तरक्की के लिए हम सोचे तो हो नहीं सकता है, और इसलिए पहली शर्त है राज्य प्रगति करे तब देश की तरक्की होती है। और जब देश की तरक्की होती है, देश समृद्ध होता है, देश के अंदर समृद्धि आती है, तो समृद्धि राज्यों में परकोलेट होती है और इसके कारण देश समृद्ध बनता है। इस सोच के साथ हम चलते हैं। और मैं तो जानता हूं, मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, इतिहास गवाह है। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, गुजरात के साथ क्या 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 नहीं हुआ, लेकिन उस कालखंड में भी हर दिन आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए, मुख्यमंत्री के नाते मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि गुजरात का मंत्र क्या है, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमेशा दिल्ली में किसकी सरकार है सोच करके नहीं करते थे, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। और यही फेडरलिज्म में हम सबका दायित्व यही बनता है कि हम देश के विकास के लिए अपने राज्यों का विकास करेंगे, ताकि दोनों मिलकर के देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और यही तरीका सही तरीका है, उसी रास्ते पर चलना हमारे लिए जरूरी है। और ये बहुत दुखद है, जिनको दशकों तक सरकार चलाने का मौका मिला और उन्होंने
राज्यों के साथ कैसे कैसे दमन किए थे, सब यहां बैठे हैं, भुक्तभोगी लोग बैठे हुए हैं, कैसे कैसे दमन किया था, करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? और इसलिए लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया, और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था, राज्य की 50 सरकारों को? आदरणीय सभापति जी, इन सारे विषयों के जवाब हर हिंदुस्तानी जानता है, और उसी की सजा आज उनको भुगतनी पड़ रही है। देश उनको स्वीकार कर लेता है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हाईकमांड जो है उनकी नीति 3 प्रकार से कामों को लेकर के चलती है। एक, पहले डिस्क्रेडिट करो, फिर डिस्टेबलाइज करो, और फिर डिसमिस करो। इसी तरीके से अविश्वास पैदा करो, अस्थिर करो, और फिर बर्खास्त करो। इन्हीं बातों को लेकर के चले हैं। आप जरा बताइए आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, पंजाब में सरदार बादल सिंह बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डरते टिक्स का उपयोग किया था, कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर मुंबई की सरकार को किसने कराया था, 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था, उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था, 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिस्मिस किया था, आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, और वो भी जब वो बीमार थे, वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव की को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे? कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई, उसके साथ क्या किया? जिस कांग्रेस ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे, राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की, और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है, और हमें समझा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एक नए बदलाव की ओर चले हैं, और हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही है। हमारे राज्यों के बीच में विकास की स्पर्धा हो, तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, दल किसी का भी कोई राज क्यों ना करता हो, और उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है, और हम दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल की रचना, जीएसटी काउंसिल की रचना अपने आप में भारत के सशक्त फेडरलिज्म के लिए एक उत्तम स्ट्रक्चर का नमूना है। रेवेन्यू के अहम निर्णय जीएसटी काउंसिल में होते हैं, और राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री सभी इक्वल टेबल पर बैठकर के निर्णय करते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं,
कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब साथ मिलकर के दे। और देश को गर्व होना चाहिए, इस सदन को ज्यादा गर्व होना चाहिए कि जीएसटी के सारे निर्णय, सैकड़ों निर्णय हुए हैं, सबके सब सर्वानुमति से हुए। सभी राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री ने मिलकर के किए हैं। इससे बड़ा फेडरलिज्म का उत्तम स्वरूप क्या हो सकता है? कौन इसका गौरव नहीं करेगा? लेकिन हम इसका भी गौरव नहीं करते हैं। आदरणीय सभापति जी, एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं फेडरलिज्म का। हमने देखा कि जैसे सामाजिक न्याय ये देश में बहुत अनिवार्य होता है, वरना देश आगे नहीं बढ़ता है, वैसे भी क्षेत्रीय न्याय भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कोई क्षेत्र विकास में पीछे रह जाएगा तो देश आगे भी नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमने एक योजना बनाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देश में 100 से ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर चुने गए, राज्यों के साथ मशवरा करके चुने गए। और उन 100 से अधिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो राज्य के जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट उसकी बराबरी तो कम से कम आ जाए, तो बोझ कम हो जाएगा। और उस काम को हमने किया, और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहूंगा, बड़े गौरव के साथ कहूंगा, योजना का विचार भले भारत सरकार को आया, लेकिन एक राज्य को छोड़कर के सभी राज्यों ने इसको ओन किया। 100 से अधिक जिलों की स्थिति बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला इकाई आज मिलकर के काम कर रहे हैं, और उसमें सभी दोनों की सरकार वाले राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य वाले सरकारें हैं। और सबने मिलकर के इतने उत्तम परिणाम दिए हैं कि बहुत कम समय में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कई पैरामीटर में अपने राज्य की एवरेज से भी कुछ आगे निकल गए हैं। और यह मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम काम है। और मैं बताऊं, कुछ आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जनधन अकाउंट पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा जनधन अकाउंट खोलने का काम किया है। हर परिवार में शौचालय मिले, बिजली मिले, इसके लिए भी उत्तम काम इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी राज्यों ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूं यही फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण है, और उसी से देश की प्रगति के लिए फेडरल स्ट्रक्चर का ताकत का उपयोग होना, ये उसका उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक और, कैसे आर्थिक मदद होती है राज्यों को, किस तरीके से नीतियां कैसे बदलाव लाने से परिवर्तन आता है, उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। वो भी एक समय था जब हमारे प्राकृतिक संसाधन सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियां भरने के लिए काम आते थे। ये दुर्दशा हमने देखी है, उसकी चर्चाएं बहुत चली है। अब इस संपदा राष्ट्र का खजाना भर रही है। हमने कोयले और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म किए। 2000 में हमने पारदर्शी प्रक्रिया के साथ खनिज संसाधनों का ऑक्शन किया। हमने रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को जारी रखा, जो जैसे वैध लाइसेंस की बिना चार्ज के ट्रांसफर, 50% प्रोड्यूसर्स की ओपन मार्केट में सेल बिक्री, अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन पर 50% रिबेट। बीते एक साल में माइनिंग रेवेन्यू लगभग 14,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 35,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। ऑक्शन से जितना भी रेवेन्यू आया वो राज्य सरकारों को मिला है, ये निर्णय किया है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सुधार जो लागू हुए हैं इसमें राज्य का ही भला हुआ है, और राज्य का भला होने में देश का भला है ही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इस क्षेत्र इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, और उड़ीसा इस रिफॉर्म्स को लागू करने में अग्रिम राज्य रहा। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देता हूं, उनकी सरकार ने सारे रिफॉर्म्स हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बोला जाता है, बाहर भी बोला जाता है, और कुछ लोग लिखा जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है, और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है, और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन
मन मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है। और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हम सिर्फ कुछ लोगों की याददाश्त को ठीक करना चाहते हैं, थोड़ा उनका मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं। हम कोई इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास कुछ ही साल से शुरू होता है, हम जरा उसको पहले ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको 50 साल के इतिहास में ही मजा आता है तो हमको 100 साल तक ले जा रहे हैं। किसी को 100 साल तक मजा आता है तो हम 200 साल के इतिहास में ले जाते हैं। किसी को 200 साल जाता है हम 300 ले जाते हैं। अब जो 300 350 ले जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा ही आएगा। हम तो उनकी मेमोरी को सतेज कर रहे हैं, हम इतिहास बदल नहीं रहे। कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, क्या करें इसका। और इतिहास तो बहुत बड़ा है, बड़े पहलू है, बड़े उतार चढ़ाव है। और हम इतिहास के दीर्घकालीन कालखंड को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये हम अपना दायित्व समझते हैं और इसी इतिहास से सबक लेते हुए हमने आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विश्वास पैदा करना है। और मैं समझता हूं ये अमृत कालखंड अब इसी से आगे बढ़ने वाला है। इस अमृत कालखंड में हमारी बेटियां, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे गांव, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े समाज के हर तबके का योगदान हो, उनकी भागीदारी हो, उसको लेकर के हम आगे बढ़े। कभी कभी हम 1857 के स्वतंत्र संग्राम की ओर देखेंगे। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 1857 के स्वतंत्र संग्राम में जो योगदान दिया गया है कभी हमें पढ़ने को नहीं मिल रहा है। इतने महान स्वर्णिम पुरुषों को हम कैसे भूल सकते हैं। और हम इन चीजों को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है देश आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, देश आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, महिलाओं के सशक्तिकरण भी हमारे लिए प्राथमिकता है। भारत जैसा देश 50% आबादी, हमारी विकास यात्रा के जो सबका प्रयास का विषय है, उस सबके प्रयास में सबसे बड़ी भागीदार हमारी माताएं बहनें हैं। देश की 50% जनसंख्या, और इसलिए भारत का समाज की विशेषता है, उतनी परंपराओं में सुधार करता है, बदलाव भी करता है। ये एक जीवंत समाज है। हर युग में ऐसे महापुरुष निकलते हैं जो हमारी बुराइयों को से समाज को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और आज हम जानते हैं महिलाओं के संबंध में भी भारत में कोई आज चिंतन हो रहा नहीं, पहले से हमारे यहां चिंतन हो रहा है। उनके सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हमने मैटरनिटी लीव पर बढ़ाई है तो एक प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार के सशक्तिकरण का हमारा प्रयास है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज उसका परिणाम है कि जेंडर रेशियो में जो हमारी असंतुलन था उसमें काफी अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए। और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें आज हमारे कुछ स्थानों पर तो हमारे यहाँ पुरुषों से माताओं बहनों की संख्या बढ़ रही है। ये बड़े एक आनंद का विषय है, गौरव का विषय है। जो बुरे दिन हमने देखे तो उसमें से हम बाहर आए हैं और उसलिए हमने प्रयास करना चाहिए। आज एनसीसी में हमारी बेटियां हैं, सेना में हमारी बेटियां हैं, वायुसेना में बेटियां हैं, हमारी नौसेना में हमारी बेटियां हैं। तीन तलाक की कुप्रथा को हमने खत्म किया। और मैं जहां जाता हूं मुझे इन माता बहनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि तीन तलाक की प्रथा जब खत्म होती है तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी तीन तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन तीन तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है, ये सिर्फ कोई महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ ऐसा नहीं है। ये मुसलमान पुरुष के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि वो भी किसी बेटी का बाप है, वो भी किसी बेटी का भाई है, और इसलिए ये उसका भी भला करता है, उसको भी सुरक्षा देता है। और इसलिए कुछ कारणों से लोग बोल पाए न बोल पाए,
लेकिन इस बात से सब लोग एक गौरव का आनंद तो भरते हैं। कश्मीर में हमने 370 धारा को जो हटाया, वहां की माताओं बहनों को एम्पावर किया है, उनको जो अधिकार नहीं तो अधिकार हमने दिलवाए हैं, और उस अधिकारों के कारण आज उनकी ताकत आज शादी की उम्र में क्या कारण है। आज के युग में मेल और फीमेल के बीच में अंतर होना चाहिए, क्या जरूरत है। बेटा बेटी एक समान है तो हर जगह पे होना चाहिए, और इसलिए बेटे बेटी की शादी की उम्र समान हो, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ ही समय में ये सदन भी उसके विषय में सही निर्णय कर करके हमारी माताओं बहनों के कल्याण के लिए काम करेगा। आदरणीय सभापति जी, यह वर्ष गोवा के 60 वर्ष का एक महत्वपूर्ण कालखंड का वर्ष है। गोवा मुक्ति को 60 साल हुए हैं। मैं आज जरा उस चित्र को कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र जहां भी होंगे जरूर सुनते होंगे, गोवा के लोग जरूर आज सुनते होंगे मेरी बात को। अगर सरदार साहब, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ, और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था पंडित नेहरू को। दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लेवल लीडर की, शांतिप्रिय नेता की छवि है, वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहियों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है, और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया, और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी, ये हाल पैदा किए थे। नेहरू जी ने 15 अगस्त 1955 को पंडित नेहरू ने लाल किले से जो कहा था, मैं जरा कोट करना चाहता हूं। अच्छा होता कांग्रेस के मित्र यहां होते तो नेहरू जी का नाम सुनकर के कम से कम उनका दिन बहुत अच्छा जाता, और इसलिए उनके उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं बार बार नेहरू जी को भी याद करता हूं आजकल। नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे, कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे, समझ लें सब लोग इस बात को। ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान है। पंडित नेहरू जी ने आगे कहा था,
जो लोग वहां जा रहे हैं, निमेश जी, लोहिया जी समेत सब लोग वहां सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, देश के सत्याग्रही जा रहे थे, हमारे जगन्नाथ राव जोशी, कर्नाटक केसरी, उनके नेतृत्व में सत्याग्रह हो रहा था। जो पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, जो लोग वहां जा रहे हैं उनको वहां जाना मुबारक हो। देखिए मजाक देखिए, देश की अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले मेरे ही देशवासियों के लिए क्या भाषा, कितना अहंकार है। वो लोग वहां जा रहे हैं उनको वहां जाना मुबारक हो, लेकिन ये भी याद रखें कि अपने को सत्याग्रही कहते हैं तो सत्याग्रह के उसूल, सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रह के पीछे फौजें नहीं चलती और ना ही फौजों की पुकार होती है। असहाय छोड़ दिया गया मेरे देश के नागरिकों को, ये गोवा के साथ किया। गोवा की जनता कांग्रेस के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकती है। आदरणीय सभापति जी, हमें यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी बड़े भाषण दिए गए और आए दिन हमको जरा समझाया जाता है। मैं जरा आज एक घटना कहना चाहता हूं और ये घटना भी गोवा के एक सपूत की घटना है, गोवा के एक सम्मानीय, गोवा की धरती के एक बेटे की कथा है। अभिव्यक्ति के संबंध में क्या होता था, कैसे होता था, ये उदाहरण मैं देना चाहता हूं। व्यक्ति स्वतंत्रता की बातें करने वाले लोगों का इतिहास मैं आज खोल रहा हूं, क्या किया है। लता मंगेशकर जी के निधन से आज पूरा देश दुखी है, देश को बहुत बड़ी खोट है। लेकिन लता मंगेशकर जी का परिवार गोवा का है, लेकिन उनके परिवार के साथ कैसा सलूक किया ये भी देश को जानना चाहिए। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उनका गुनाह क्या था, उनका गुनाह ये था कि उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। आप देखिए, हृदयनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा जब वो सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत करना चाहता, तो सावरकर जी ने उनको कहा, क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या, मेरी कविता गाकर के जेल जाना चाहते हो क्या। तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया, 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये स्वतंत्रता की आपकी झूठ बातें देश के सामने आपने रखी है। कांग्रेसी सरकारों ने दौरान किस प्रकार जुल्म हुए, ये सिर्फ हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा के बेटे के साथ हुए ऐसे नहीं, इसकी सूची काफी लंबी है। मजरू सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया, नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को इमरजेंसी में इंदिरा जी के सामने न झुकने के कारण, इमरजेंसी के पक्ष में न बोलने के कारण उनको आपातकाल में उनको भी निकाल दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि एक विशेष परिवार के खिलाफ अगर कोई थोड़ी सी भी आवाज उठाता है,
जरा भी आंख ऊंची करता है तो क्या होता है, सीताराम केसरी को हम भली भांति जानते हैं, क्या हुआ ये हमें पता है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सदन के सदस्यों से, सभी से प्रार्थना है कि भारत के उज्जवल भविष्य पर भरोसा करें। 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर हम भरोसा करें। हम बड़े लक्ष्य लेकर के इसी सामर्थ्य के आधार पर देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम कृतसंकल्पी बने। आदरणीय सभापति जी, हमने मेरे तेरे अपने पराए इस परंपरा को खत्म करना होगा और एक मत से, एक भाव से, एक लक्ष्य से एक साथ चलना, यही देश के लिए समय की मांग है। एक स्वर्णिम काल है, पूरा विश्व भारत को तरफ बड़े आशा से और बड़े गर्व से देखते हैं। ऐसे समय हम मौका गंवा न दें। देशवासियों के कल्याण के लिए इससे बड़ा कोई अवसर आने वाला नहीं है। ये मौका हम पकड़ लें। 25 साल की यात्रा हमें कहीं से कहां पहुंचा सकती है। हमारे देश के लिए, हमारी परंपराओं के लिए हम गौरव करें। और सभापति जी, हम बड़े विश्वास के साथ साथ मिलकर के चलेंगे। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, सं गच्छद्वम सं वदद्वम सं वो मनासि जानताम, यानी हम साथ चले, साथ चर्चा करें, मिलकर हर कार्य करें। इसी आह्वान के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अनुमोदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। और सभी आदरणीय सदस्यों ने जो सहभाग किया, विचार रखे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।